हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हम ब्लॉग में पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और अपना ब्लॉग ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने कर दिया। यहाँ पे हमें ऊपर लिखा हुआ है न्यू पोस्ट, उसमें क्लिक कर देना है। नहीं तो आपके में नीचे प्लस का ऑप्शन भी आ सकता है, तो उसमें आप क्लिक कर दीजिएगा राइट साइड में नीचे। चलिए मैं न्यू पोस्ट में क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हम ऊपर अपना फॉन्ट लेंगे, कोई भी आप ले सकते हैं। मैं और आप यहाँ पे HTML या कंपोज कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको HTML नहीं आता है तो आप कंपोज ही यूज कीजिएगा। मैं हेडिंग इसे कर लेता हूँ और फ्रेंड्स इसे अंडरलाइन भी कर देता हूँ क्योंकि ये हेडिंग है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ भी अब लिख के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिख दिया मैंने माई इंट्रोडक्शन। देख फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं इसे जैसा भी आपको लिखना है मैं जैसा हेडिंग कर देता हूँ। और यहाँ पे लिख दिया है माई सेल्फ समीर मंसूरी। देख फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं इसे कैसे लिखना है पोस्ट को अपनी। और फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ अब हम इसमें लिंक कैसे बनाएंगे और फ्रेंड्स इसमें टाइटल और बाकी सब कैसे ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें मैं कोई भी लिंक अभी टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने टाइप किया HTTP। YouTube.be। देख फ्रेंड्स, ये YouTube का लिंक है। अब मैं इसे लिंक में कन्वर्ट कर देता हूँ। आपको फ्रेंड्स इसे सेलेक्ट करके ऊपर लिंक लिखा हुआ है उसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना है यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, मैंने इसे कॉपी नहीं किया था तो मैं इसमें टाइप करके लिख देता हूँ। फ्रेंड्स, इससे आप किसी भी चीज़ का लिंक दे सकते हैं, जैसे कि अपने YouTube चैनल का या फिर किसी भी चीज़ का। देखिए फ्रेंड्स, ये लिंक पर कन्वर्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ आप इसमें इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पोस्ट को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हमें इमेज लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ऊपर देखिए इमेज का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करके यहाँ पर चूज फाइल्स लिंक में क्लिक कर देना है। यहाँ पर लगता है कोई इमेज नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं इसे डेस्कटॉप से ला देता हूँ। तब तक फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ आपको किसी भी इमेज को यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो आपके ब्लॉग में कॉपीराइट भी आ सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, मैंने एक और वीडियो भी बनाया हुआ है जहाँ से आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को चेक कर लीजिएगा। उसमें फ्रेंड्स आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस और वीडियोज़ के लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट मिलने वाली है। देख फ्रेंड्स, ये हमारी इमेज आज आ गई है, ये डाउनलोड बटन है। देख फ्रेंड्स, अब आप चाहते हैं अगर ये इमेज क्लिक हो और किसी साइट में या पेज में आपको रिडायरेक्ट कर दे, जैसे कि डाउनलोड बटन में आप डाउनलोड का ऑप्शन आ जाए, तो फ्रेंड्स आप इसमें क्लिक कीजिए। ऊपर लिंक लिखा हुआ है उसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप कोई भी लिंक डाल दीजिए जहाँ पे आपको इसे रिडायरेक्ट करना हो या फिर कुछ भी डाउनलोड करवाना हो, और ओके में क्लिक कर दीजिए। अब फ्रेंड्स, ऊपर ये हेडिंग लिखी हुई है, इसे मैं पहले कॉपी करता हूँ। गलती से पेस्ट हो गया फ्रेंड्स, लेकिन मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, पहले पेस्ट कर देता हूँ। देख फ्रेंड्स, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और ऊपर पेस्ट कर देता हूँ पोस्ट में, और पब्लिश में क्लिक कर देना फ्रेंड्स राइट साइड में लिखा हुआ है। देख फ्रेंड्स, हमारी पोस्ट हो गई है पब्लिश। अब ऊपर व्यू ब्लॉग का ऑप्शन है, वहाँ पर जाके हम इसे व्यू कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है, हमने जो पोस्ट की थी वो आ चुकी है। अब यहाँ पे डाउनलोड में मैंने क्लिक किया तो फ्रेंड्स हम यूट्यूब में रिडायरेक्ट हो गए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम ब्लॉग में पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए बेल आइकन में क्लिक करना मत भूलिएगा।